Hello students, in this session we are going to start with exercise number 8.3. Question number 1. Tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find the profit or loss percent in each case. Students, हमें इस question में चार अलग अलग sums दिए हैं, जिनमें कुछ transactions दिए हुए हैं, यानी कि कुछ चीज़ें खरीदी है, कुछ चीज़ें बेची गई है. तो हमें ये find करना है कि ये transactions के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है उसका हमें परसेंटेज निकालना है. ठीक है, सम नंबर 1, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. हियर हमने गार्डनिंग शेयर्स खरीदे हैं और उनका जो खरीदने का प्राइस जो है, यानी कि उनका कॉस्ट प्राइस जो है वो है ₹250. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज 250. फिर हमने इसका क्या किया, हमने इसे 325 रुपीज़ में बेच दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस जो है वो है 325 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स व्हाट वी हैव इज अ प्रॉफिट. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो तो प्रॉफिट ही होता है. ठीक है, हमने इसको 250 में खरीदा, 325 में बेचा, डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हुआ है. अब कितना प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला इज प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड दैट विल बी इक्वल टू 325 माइनस 250. सब्ट्रैक्ट कर दो, वी विल हैव 75 रुपीज़. तो हमें इस ट्रांजेक्शन पे 75 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हुआ है. अब क्या करना है, अब हमें इस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट. फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट इज ऑफ 75 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज 250 इनटू 100. क्या करेंगे, ये जीरो और जीरो कट हो जाएगा. 25 3 75 एंड 3 10 30. दैट मीन्स हमें 30% का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजेक्शन पे, और अकॉर्डिंग टू द रुपीज़ वी हैव द प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज़. क्लियर. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद सम नंबर बी, एंड दैट इज रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500. स्टूडेंट्स, एज वी कैन सी हियर, वी हैव गिवन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 12,000. बोट फॉर 12,000 मतलब रेफ्रिजरेटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12,000 है, और इसे हमने सेल किया 13,500 में, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू 13,500. नाउ एज वी कैन सी हियर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स इस ट्रांजेक्शन के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट वी हैव अ प्रॉफिट, बिकॉज जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो दैट मीन्स हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. अब कितना प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करना है. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. वी नो दिस फॉर्मूला. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. SP is 13,500 and CP is 12,000. So by subtracting them we will get 1,500. तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,500 रुपीस का. अब हमें इस रुपीस में मिले हुए प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में. सो वी कैन राइट परसेंटेज प्रॉफिट, और परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. लेट्स अप्लाई द वैल्यूज. प्रॉफिट इज ऑफ 1,500, देन CP इज 12,000 इनटू 100. दिस टू जीरोस विल गेट कैंसल्ड ओवर हियर, दिस जीरो विल गेट कैंसल्ड ओवर हियर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 150 बाय 12. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिड्यूस दिस. फॉर रिड्यूसिंग what we will do, we can write 30 fives 150 and 4 threes 12. ab 30 jo hai isko hum likh sakte hai 3 tens,
सो ये 3 और 3 कट हो जाएंगे. अब हमारे पास क्या बचा, 10 इंटू 5 दैट इज 50 डिवाइड बाई 4. आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि वी कैन राइट 53 150 एंड 4 3 12, जैसी आपकी मर्जी. अब 50 डिवाइड बाई 4 कर लो, यू विल गेट 1 देन 2 देन 0.5%. तो कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, 12.5% का. और अगर रुपीस में कैलकुलेट करें तो इट विल बी लाइक 1500 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट इज सम नंबर सी. अ कपबोर्ड बॉट फॉर रुपीस 2500 एंड सोल्ड एट 3000. सी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव गिवन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कपबोर्ड इज 2500 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस कपबोर्ड इज 3000. ठीक है. अब एज यू कैन सी हियर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो इसका मतलब हमें इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. बिकॉज ऑलवेज वेन एवर अ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, वी हैव अ प्रॉफिट. अब कितना प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड करने के लिए, वी विल यूज द फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी. इन दिस केस एस पी इज 3000, सी पी इज 2500. बाय सब्ट्रैक्टिंग देम वी विल हैव 500 रुपीज. तो हमें इस ट्रांजेक्शन पे 500 रुपीज का जो है प्रॉफिट हुआ है. अब इस प्रॉफिट को हमें कन्वर्ट करना है किस में, हमें कन्वर्ट करना है इसे परसेंटेज में. सो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100. प्रॉफिट कितना हुआ है, 500 रुपीस का. कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2500 इंटू 100. अब ये दो जीरोस जो है वो कट हो जाएंगे. व्हाट वी विल हैव इज 500 डिवाइड बाय 25. स्टूडेंट वी नो दैट 25 टू ज़ा 50 होता है. सो वी कैन हैव 25 टू ज़ा 50 एंड 2 एंड 0 दैट विल बी 20. सो हमें यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ है. और अगर रुपीस में देखें तो 500 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट इज सम नंबर डी. अ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीस 250 एंड सोल्ड एट रुपीस 150. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्कर्ट जो है वो खरीदा गया है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीस. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कर्ट इज 250 रुपीस. अब इसे बेचा कितने रुपए में है, 150 में. सो सेलिंग प्राइस इज 150. नाउ एज वी कैन सी हियर, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. जितने पैसे में हमने खरीदा है उससे कम पैसे में हमने उसको बेचा है. दैट मीन्स वी हैव अ लॉस. जब भी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से बड़ी हो तो लॉस हुआ है. रिमेंबर दैट थिंग. अब ये लॉस कितना हुआ है, फॉर दैट द फॉर्मूला इज सी पी माइनस एस पी. सी पी इज 250, एस पी इज 150. माइनस कर दो, वी विल हैव रुपीज 100. तो यानी कि इस ट्रांजेक्शन पे हमें 100 रुपीज का लॉस हुआ है. अब क्या करना है, अब इस लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है. परसेंटेज लॉस फॉर्मूला जो है वो है लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100. लॉस कितना हुआ है, 100 रुपीज का. कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 इन 200. ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट हो जाएंगे. 100 डिवाइड बाय 25 दैट इज 25 फोर ज़ा 100. 4 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 40. यानी कि हमें इस ट्रांजेक्शन पे 40% का लॉस हुआ है. एंड अकॉर्डिंग टू द रुपीज़ वी हैव द लॉस ऑफ 100 रुपीज़. क्लियर.